नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 7 जनवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर होगी बंपर बहाली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 690 पदों के लिए यह भर्तियां की जानी है। हालांकि विज्ञापन में लिखा है कि पदों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। यूनिट कमांडर्स द्वारा आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख 5 फरवरी 2021 है। वहीं संबंधित डीआईएसजी द्वारा आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख 12 फरवरी 2021 है। इन पदों पर भर्ती लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम LDCE के माध्यम से की जाएगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है। इन पदों के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो हैंड कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन के तौर पर 5 वर्ष कार्य कर चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार cisf.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। बिहार में ये 3 कंपनियां करेंगी निवेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में उद्योग धंधों को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है। खासकर नए निवेशकों को बिहार की तरफ आकर्षित करने की बिहार सरकार पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। इसी क्रम में बिहार में 3 कंपनियों ने 886 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला लिया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने ITC ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और भगवती फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को इकाई स्थापित करने और विस्तार के लिए भूमि आवंटित कर दिया है। इसमें ITC और भगवती फूड्स खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करेगी। वहीं ब्रिटानिया बिस्कुट बनाएगा, जिससे लगभग 1300 को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। लखीसराय के जलप्पा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बियावान प्राकृतिक छटाओं और घाटी नुमा भूमि के बीच अवस्थित शक्तिपीठ मां जलप्पा देवी स्थान जिले में भी काफी प्रसिद्ध है। जलप्पा देवी पर आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार को खूब लगती है। इसके अलावा यहां प्रत्येक पूर्णिमा, पंचमी, अमावस्या, मंगलवार एवं शनिवार को दूरदराज से लोग पहुंचते हैं। चानन प्रखंड के पूर्व मुख्यालय बन्नू बगीचा से 2 किलोमीटर उत्तर पहाड़ी क्षेत्र और जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में अवस्थित जलप्पा स्थान रूप से गौ पूजा के लिए जाना जाता है। सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स की बहाली के लिए मांगे गए आवेदन। बिहार में लचर पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए बड़ी संख्या में स्टाफ नर्स की बहाली के लिए आवेदन की मांग की गई है, जिसके तहत बिहार के अस्पतालों में 4102 नर्स की बहाली का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संविदा पर स्टाफ नर्स की बहाली की जाएगी। इसको लेकर 20 जनवरी के शाम 6 बजे तक समिति की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, बहाली के लिए अधिकतम उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए 37 साल है, वहीं गैर आरक्षित महिलाओं के लिए 40 साल है। हर महीने का पहला मंगलवार अब होगा जल जीवन हरियाली के नाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली योजना को लेकर पूरे प्रदेश में जोर शोर से काम हो रहा है। वहीं अब इस योजना की महत्ता लोगों को समझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर महीने के पहले मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया है। इस अभियान से बिहार के हर परिवार को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जीविका समूह के 1.20 करोड़ परिवार इस अभियान से जुड़ चुके हैं, क्योंकि जल और हरियाली रहेगी तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। न केवल मनुष्य का बल्कि पशु पक्षी भी सुरक्षित रहेंगे। बिहार में कोरोना के मिले 400 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 408 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,55,160 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 139 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही औरंगाबाद में 55 तो वहीं बेगूसराय में 23 मामले सामने आए हैं। बिहार में अब आपके ईमेल के माध्यम से ही मिल जाएंगे 5 तरह के प्रमाण पत्र। बिहारवासियों को अब 5 तरह के प्रमाण पत्रों को हासिल करने के लिए काउंटर पर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने लोक सेवा के अधिकार अधिनियम में अहम बदलाव किया है, जिसके तहत अब तय सीमा में ही ये प्रमाण पत्र बनकर संबंधित व्यक्ति के ईमेल पर आ जाएंगे, जिसको डाउनलोड कर आसानी से प्रिंट निकलवा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसकी सॉफ्ट कॉपी को ऑनलाइन सुरक्षित करके भी रख सकते हैं। जिन 5 सेवाओं में यह सुविधा दी गई है उनमें प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र शामिल है। RTPC के माध्यम से अभी 66 तरह की सेवाएं दी जाती है।
बिहार में अब हर गांव के चौराहे होंगे सोलर लाइट से रोशन। बिहार में अब हर गांव के गली चौराहे को सोलर लाइट से रोशन करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पंचायतों में सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत ही यह काम कराया जाएगा, जिसकी तैयारियां जल्द ही शुरू होने वाली है। सोलर लाइट लगने वाले स्थल का चयन करने के बाद ही लाइट्स को लगाने का काम शुरू किया जाना है। इसके लिए एक टीम का गठन किया जाएगा। उक्त टीम नगर प्रखंड के अंतर्गत आने वाली 16 पंचायतों में घूमकर सर्वे करने का काम करने वाली है, जिसके बाद ही एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट की माने तो गांव के गली चौराहे पर सोलर लाइट लगाई जाएगी। अगले 10 दिनों में बिहार में शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन का काम। बिहार में आने वाले 10 दिनों में वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जाना है, जिसको लेकर समूचे बिहार और खासकर की राजधानी पटना में तैयारियां शुरू हो गई है। पटना जिला प्रशासन के निर्देश के बाद सिविल सर्जन कार्यालय ने वैक्सीन लगाने को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली है। जैसे ही वैक्सीन आएगी, वैसे ही इसे लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। राजधानी पटना में भी वैक्सीन बड़े स्तर पर मुहैया करवाने के लिए लगभग 5 लाख से अधिक सिरिंज को पटना लाया गया है, और ये सभी सिरिंज को स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन की देखरेख में सुरक्षित रखा गया है। हालांकि टीकाकरण सही तरीके से चले, इसको लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, इस काम के लिए सेंटर भी चिन्हित कर लिए गए हैं। बिहार के हस्तकला और शिल्प को डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलेगा नया आयाम। राज्य की पहचान को कायम रखने वाले कलाकारों और उनके उत्थान के लिए काम कर रहे उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान के प्रयासों को नया मंच मिल गया है, जिसके तहत संस्थान ने बिहार की कला और शिल्प को ई कॉमर्स से जोड़ा है, जिससे राज्य की पहचान को कायम रखने के लिए नया आयाम मिलने वाला है, जिसका ऐलान उद्योग विभाग की तरफ से आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने किया है। इस समारोह में उपेंद्र महारथी शोध अनुसंधान के वार्षिक कैलेंडर, त्रैमासिक पत्रिका और नए वेबसाइट और ई कॉमर्स पोर्टल का विमोचन किया गया है, जिसके बाद इस नई वेबसाइट के माध्यम से बिहार की कला और हस्तशिल्प को नए बाजार मिलने वाले हैं। आपको बता दें, इन साइटों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सीधे हस्तशिल्प के उत्पादों को खरीद सकेगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे चंदन विश्वास की। चंदन विश्वास का जन्म 5 नवंबर 1985 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। चंदन विश्वास एक बंगाली एडवेंचर स्पोर्ट कॉमिक और ट्रैवल राइटर है। वो सोलो ट्रांस हिमालय साइकिलिंग अभियान को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उन्होंने 2018 में नर्मदा रिवर ट्रेल और घाटी के साथ भारत के 4 राज्यों में 47 दिनों में 1047 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके अलावा 2016 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के आगे भाषा आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कोलकाता से ढाका तक इंट्रा कंट्री साइकिलिंग और रनिंग टीम का नेतृत्व भी किया था। बिहार में बादल छाए रहने के जताए गए आसार। बिहार में ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। वहीं अब ठंड से लोगों को अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में फिलहाल ठंड की स्थिति बने रहने वाली है। इसके साथ ही आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। बीते दिन भी बिहार के कई जिलों में सुबह से ही बादल का प्रभाव देखने को मिला था। वहीं मौसमविदों ने साफ कर दिया है कि इस दिशा में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अभी बिल्कुल भी इसके कोई आसार नहीं है। इतना ही नहीं, बादल छाने के कारण पारे में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। बिहार में रोजगार दिला रही है 9वीं शताब्दी की कैथी लिपि। कैथी लिपि बिहार में रोजगार का जरिया बन रही है। 80 साल के अनिल कुमार श्रीवास्तव कैथी लिपि को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो कैथी लिपि के अनुवादक की भूमिका निभा रहे हैं। इनके जैसे ही हैं गौतम। 33 साल के गौतम भी कैथी अनुवादक है। भागलपुर के गौतम ने साल 2008 में बीकॉम करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की थी। हालांकि उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने साल 2013 में कैथी अनुवादक के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें, कैथी लिपि गुप्त साम्राज्य में जब शासन का विकेंद्रीकरण हुआ था तब विकसित हुई थी। सबसे पहले यह पूर्वी बंगाल, छत्तीसगढ़ और नेपाल के कुछ इलाके में विकसित हुई थी। राजगीर में बन रहे रोपवे का इसी महीने होगा ट्रायल। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है। वहीं अब जल्द ही राजगीर में बन रहे रोपवे भी पूरी तरह से तैयार होने वाले हैं। इतना ही नहीं, अगर सब कुछ सही रहा तो इसी महीने इस नवनिर्मित रोपवे का ट्रायल भी हो जाएगा। इतना ही नहीं, बिहार के कई अन्य जिलों में भी रोपवे बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य भर में पर्यटकों की भीड़ को बढ़ता देख पर्यटकों के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। राजगीर के अलावा नवादा, औरंगाबाद, गया, रोहतास, कैमूर और मुंगेर में रोपवे निर्माण किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि राजगीर में नया रोपवे फरवरी से शुरू हो जाएगा। वहीं अन्य जगहों पर बनने वाले रोपवे के काम की समीक्षा हुई है। बिहार के एक और लाल का हुआ इसरो में चयन। रोहतास जिले के रहने वाले अंकित गुप्ता ने बिहार का नाम पूरे देश में रोशन करने का काम किया है। 21 वर्षीय अंकित गुप्ता का चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद
में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के तौर पर किया गया है। अंकित के इस कामयाबी के बाद रोहतास के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिला मुख्यालय सासाराम के तकिया बाजार निवासी अंकित गुप्ता को यह कामयाबी उनकी अपनी लगन और मेहनत के बल पर मिली है। 10 साल की उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। उस वक्त वो चौथी कक्षा में पढ़ते थे। अंकित आगे की पढ़ाई के लिए अपने नाना के घर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चले गए। चौथी कक्षा से लेकर 12वीं तक उन्होंने गोरखपुर में पढ़ाई की। फिर एक साल की तैयारी के बाद अंकित जेईई मेंस में चयनित हुए थे। नए साल में सरकारी बस से सफर करने वालों को मिला तोहफा। बिहार में सरकारी बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बसों में अब मासिक पास, स्टूडेंट पास और प्रीपेड कार्ड जैसी सुविधाएं चलो संस्था ऐप से मिलने वाली है। निगम ने चलो संस्था के साथ करार किया है, जिसके बाद अब संस्था चलो ऐप के जरिए ही व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं भी यात्रियों को दी जानी है। इतना ही नहीं, यात्रियों को किराए में 10% की छूट भी मिल सकती है। बस इसके लिए उन्हें चलो कार्ड बनवाना होगा, जिसकी शुरुआत कर दी गई है, जिसके बाद अब चलो बस के कंडक्टर भी चलो कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड में किराए में 10% तक की छूट मिलने वाली है। इतना ही नहीं, सरकार के इस तोहफे से अब यात्रा के दौरान खुदरा को लेकर जारी माथापच्ची भी देखने को नहीं मिलेगी, जिसके बाद पहले फेज में पटना के अलावा बिहटा, हाजीपुर और बिहार शरीफ में इस योजना की शुरुआत की गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने पर बदल जाएंगे कई नियम। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने पर पहले के मीटर के बकाया बिजली का भुगतान करने का तरीका बदल जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने पर पहले के मीटर में बकाया बिजली बिल का भुगतान करने के लिए अब उपभोक्ताओं को 300 दिनों में किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी, जिसके तहत ही हर दिन प्रीपेड मीटर की बची हुई राशि में से फिक्स्ड चार्ज, मीटर रेंट और ऊर्जा खपत के अलावा पहले के बकाए की राशि का भुगतान विशेष रूप से करवाया जाएगा। हालांकि प्रीपेड मीटर लगने के एक महीने बाद राशि की किश्त की कटौती शुरू होगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से किसी भी तरह की शिकायत या जानकारी के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है, जिसके तहत अब आप 8102721830 या 8825259186 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार के धाकड़ ऋषिका सिंह को मिलेगा नारी रत्न अवार्ड। बिहार के धाकड़ वुमनिया के नाम से मशहूर ऋषिका सिंह चंदेल को जल्द ही नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। आपको बता दें, नारी रत्न से सम्मानित होने वाली ऋषिका का जन्म बिहार के छपरा जिले में हुआ है। ऋषिका सिंह चंदेल दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक नई सोच में मुख्य नायिका दामिनी का किरदार निभा रही है। यह किसानों के लिए सरकारी योजनाओं पर आधारित सीरियल है। यह शो डीडी किसान चैनल पर प्रसारित हो रहा है। ऋषिका सिंह को पहला ब्रेक कलेक्टर बहू के रूप में दूरदर्शन पर मिला था। हालांकि ऋषिका को पहचान उनके माता सीता के किरदार के बाद ही मिली थी। कांग्रेस नेता भरत सिंह ने कई विधायकों के टूटने का किया दावा। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने बीते दिन बड़ा दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने बड़ी टूट की बात कही है। उन्होंने यह दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के 11 विधायक टूटकर जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा है कि पार्टी में जल्द ही यह सब सामने आ जाएगा। हालांकि अंदरखाने से आई खबर के अनुसार कांग्रेस हाईकमान ने उनके बयान पर असहमति जताते हुए उसे खारिज कर दिया है। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 19 विधायक जीते हैं। भरत सिंह ने दावा किया है कि इनमें से 11 विधायक ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं और चुनाव जीत गए हैं, ये पार्टी का कैडर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव में कई लोगों ने पैसा देकर टिकट हासिल किया है। मुकेश सहरी ने मछली पालन को लेकर काम जारी रहने की कही बात। बीते दिन मुंगेर पहुंचे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहरी का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर अभिवादन किया। इसके साथ ही उन्होंने माला पहनाकर स्वागत भी किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए मुकेश सहरी ने सभी का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने मछली पालन योजना को लेकर भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में पहले से भी कार्यों का विकास होता रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देखरेख में बहुत से बेहतर काम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कई प्रोजेक्ट पर काम होने की बात भी कही है। इसके साथ ही उन्होंने मछली पालन व्यवसाय के लिए यह मिल का पत्थर साबित होने की भी बात कही है। दो सीटों पर विधान परिषद उपचुनाव का हुआ ऐलान। बीते दिन बिहार विधान परिषद की दो सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद इस उपचुनाव का आयोजन 28 जनवरी को होने वाला है। बिहार में सुशील मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक नामांकन 11 जनवरी से शुरू हो जाएगा और नामांकन की आखिरी तारीख 18 जनवरी तय की गई है। वहीं नामों की स्क्रूटनी का काम 19 जनवरी को होगा और नाम वापसी की आखिरी तारीख 20 जनवरी रखी गई है। वहीं इन चुनाव के लिए वोटिंग 28 जनवरी को सुबह 9 बजे से
शाम 4 बजे तक होगी और उसी दिन मतगणना शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, लंबे समय से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे सुशील मोदी को राज्यसभा भेजा गया था, जिसके बाद ही यह सीट खाली हो गई थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत की जनता ने 1980 में एक बार फिर से देश की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों आज ही के दिन सौंपी थी। भारत के जाने माने शतरंज खिलाड़ी कृष्णन शशि किरण का 1981 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारतीय लेखक शोभा डे का 1947 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता जॉनी लिवर का 1950 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री रीना रॉय का 1957 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री बिपाशा बसु का 1979 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1966 में हिंदी फिल्मों के एक महान फिल्म निर्देशक विमल रॉय ने दुनिया को अलविदा आज ही के दिन कहा था। भारत के प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों के बॉर्डर गवास्कर सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी यानी कि आज से सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है। हालांकि आज मैच से पहले ही टीम इंडिया ने अपनी टीम 11 की घोषणा कर दी थी, जिसके तहत नवदीप सैनी को आज के मैच में मौका दिया जा सकता है। उन्हें उमेश यादव की जगह टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने जिन टीम प्लेयर का सिलेक्शन किया है उसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रविन्द्र जडेजा, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी का नाम शामिल है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के जन्मदिन की तस्वीर आई सामने। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और भाजपा नेता पवन सिंह ने बीते दिनों अपना 35वां जन्मदिन मनाया है। वहीं उनके जन्मदिन का हिस्सा बनने कई सारे लोग भी पहुंचे थे, जिसमें सुपरस्टार और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ, यूट्यूब क्वीन अमरपाली दुबे, खेसारी लाल यादव, निर्माता वितरक निशांत उज्जवल, लोकप्रिय सिंगर एक्टर गुंजन सिंह और म्यूजिक डायरेक्टर रजनीश मिश्रा जैसे नाम शामिल थे। हालांकि अब पवन सिंह के बर्थडे पार्टी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। इससे पहले तमाम भोजपुरी सितारे और उनके फैंस सभी ने सोशल मीडिया पर पवन सिंह को जन्मदिन की बधाइयां और शुभकामनाएं दी थी। इसके लिए उन्होंने सबका आभार भी जताया था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 6 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,300 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,300 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 70,200 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.21 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अमन राज, राज पांडे, बिट्टू कुमार, मोहम्मद आलम, रविंद्र पासवान, सुजीत कुमार, गजेंद्र सिंह, अवधेश कुमार सिंह, मंटू चौधरी, राज पांडे, लाल देव यादव, सचिन कुमार, लव कुमार, राजकुमार महतो, असलम राज, निशा कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके गांव या आसपास के गांव में सरकार बिजली पहुंचाने में कामयाब हो पाई है या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।